अब केदारी आमा तक खा वहाँ माले कड़े बाद रामा के पड़ जावा कड़े को जाबो तो हाथ बन मार मार तक है मन ने खुद न मार लिए लोग दो तीन मिल मन बहुत बुरो मारे एक लाल देख कब कल काल इतारा शाम की टाइम में और उनका रास्ता भी नहीं है। अच्छा तो बाकी रास्तों कटी करो नेवरी रोड से है उसका रास्ता उनका रास्ता हाँ जी। अच्छा ये तो आपने वैसे अपने अपने हिसाब से रजामंदी से दे रखा था रजामंदी से उसको नहीं दे रखा था आपके भाई को दे रखा मेरा भाई को दे रखा था पगडंडी तो पहले भी थी रबी है। अभी है मके में है ना देखो ना आप भी जाके मर जाए डाणी तो रस्तो बने अभी की संगाती लेर जावा के लेकड़े मैं यार तेरी जमीन थोड़ी लगा ले को ये वो जस मने एक लांडे सारा लाग मारया अब मैं तो दौर पे होगा सारी डाणी का मारया जना तू हॉस्पिटल में कौन पूछा कोई मारपीट कौन करे आपस हॉस्पिटल में तो कौन पूछा भाई ये बताओ मार पागल तो खुद आया कि चप्पल पड़ी है लगे अगाना काटता काटता कहते तो ओडी कर कुंडे जाऊं तारा पूत मरे कसम मरे ए गाल काटने में माई थोड़ी कह दो जावा हमारी गुआड़ी थोड़ी बन्न हो जाएंगी माई कती गुआड़ी रास्ते से गणी गुआड़ी 8-10 गुआड़ी ना अब नमस्कार मैं किशोर कुमार ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त उदयपुर वाटी उपखंड के ग्राम पंचायत चौकला चौरा में मैं मौजूद हूँ और ढाणी नोलखी है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं पुरुष हैं अविरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं क्या पूरा मामला है जिस प्रकार से अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं लेकिन अभी बातचीत करेंगे क्या मामला है क्या मामला है जी क्या बात आज कल फूस लेके आया चारो डंडा के खातर मार पीट के नड़ लिया के तार पर लगे सरोसु गाड़ी साधन आ रहे आड़े कड़ी कर अठी कर नोलखी का ऊपर कर। अच्छा मामलो की है मामलो बताओ मामलो फूस की खातिर पिकअप लेके आ जाना साथ मारा को पिकअप लिया सुनो पिकअप पिकअप मतलब कौन सा रास्ता की बात है बताओ यो रास्ता है अड़ी कराबा बुंदी कौन कोना बदे नोलखी का कोना बदे तो रास्ता कब सु होड़ी करियो सरुसु है यो बटका मरगाड़ी कर दो रास्ता अच्छा सरुसु रास्ता हां कल कौन आ रहे हो कल मारी चारो लेके डांडा की खातिर भैंस की खातिर फूस लेके आई देवाले कर लियो जना देवाले कर लियो कौन करी करी राजुड़ो नेलखी कोर कोशिल यार 11 सी ए तीन आदमी करया क्यों करी ए ब्लडी के पिकअप लेर कौन जाबे साधन लेर कौन जाबे थाना का अच्छा पिकअप लेर कौन जाबे हां तो यो रास्ता कतक पुरानो है की बटका मरगाड़ी कर दो वो सरसों में जन्म लियो ब्याक ब्याक कर ना जना सरसों अड़ी कर आया मैं अच्छा अड़ी कर आया था अड़ी कर आ रहा अड़ी कर जावा जावा अब बंद कर अब केवल तो कहें करें कर मारा कुटी करा अड़ी कर अब सुबह पे लिखा जना भी मारा कुटी लख लर गेल भाग गए तावरानी स्कूल में कौन जा बदी सब्जी लेबा ते भी कौन जा बदी अच्छा कता करी खबाई कौन दी कर ई रास्ता कर जबड़ कता ही पांदा छे गुआड़ी तो बाजार को नहीं बाजार ना सारी डी बगा गेलो है थारो मैं ब्याह आई ना जना भी हड़ी करी आई गेलो अत्रो चोड़ो गेलो रब सकड़ सकड़ो लिया रब अड़े लठ होर गाड़ दिया गेलो हज काड़ी कर कुंड जाओ थारा पूत मरे कसम मरे ए गाल काटने में माई थोड़ी कह दो जावा हमारी गुआड़ी थोड़ी बन्न हो जाएंगी कती गुआड़ी गणी गुआड़ी 8-10 गुआड़ी अब थोड़ी कड़े चल जाए गुआड़ी देखिए ये वो मामला है एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ये जो रास्ता है ये रास्ता है जहाँ पे वो लोग खड़े हैं वहाँ तक कटान का रास्ता बता रहे हैं जैसा कि ये और उसके बाद आगे का जो रास्ता है इस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया ये लोग बता रहे कि वो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के बाद इस रास्ते से आगे लगभग हमारे 15-20 घर है वो लोग घर के घर में कैद हो गए बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा बच्चा स्कूल में जा रहे बच्चा कड़े जा रहे हैं डोल रहे बच्चा छोटा छोटा 10वीं 11वीं में जगह जावा गुंदी बाठा ले लेर गेल भागी सुबह यो टाबर आयो जो कोई का खाड़े सरा कोनी के थान अड़ी करी आगार अड़ी कर मरो थारा पुत डार का समडार मो तो गिज को चोफुलिया मा कर कोड़ी पर योड़ी कर जा रही गई हां गेलो गेड़ी ना अड़ी बब्बा गही लठ ले ले बंद क्यों कर रहे हैं अब भाई कौन दिया खाड़ी कर नौड़ी खाने गेलो कोनी आबा ध्यान गेलो खा तारो गे रुपया दियो है मान 10 लाख जना बा दिया करोड़ रुपया मांगे अड़ी कर कड़े ध्यान रुपया मार खाबा ते कतो कतो पुराना रास्ता है गणो पुराना है तो बड का मर गाड़े तो नौड़ी नौल की सार सारा ही हाँ जी हाँ 70 साल तो मनु होगा देखता अच्छा 70 साल हो गए 70 साल अड़ी कर आ रही अड़ी कर आ रही मेरा बाप दादा भी नहीं करिया था आज बंद क्या कर दिया आप क्या लग रहा है कि कर मेरी जमीन ला दो अच्छा 70 साल में आज ही लगेगी आज ही लगेगी अभी लाइक काल खैर अड़े आगा ना अड़े के काम होगा अच्छा तो अभी अभी के मामलो हो रहे होगी लड़ाई मार आई तूड़ो मार आयो खाली में कर रहा बाबू के काम थोड़े बाबू अच्छा क्या बोला का गाड़ी गाड़ी कहीं ले आया तो लड़ाई हो रही है रास्ता बंद कर देगी रास्ता बंद कर दिया ये बड़े बुजुर्ग है एक बार इनसे बात करेंगे शायद इनको पता होगा। बाबू जी राम 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 ये मामला खड़ा हो जाए वही लड़ाई कोई बात तो रास्ता कितना साल पुराना वो तो बोली साल को हरी कती उम्र होली मेरी 65 साल 65 साल होगी 65 साल से अड़ी करी आ रहे हो अड़ी करी आवा और इसके बाद में भी रास्ता आज बंद क्या करे तो आज कर दियो 30 है कलम दलो कर दियो 30 की कतरा करी रास्ता कागन
है तो सगवाड़ी तो आप कड़ी कड़ी जाई कड़ी कड़ी अड़े ये वापड़ का क्या कर सामान सुमो लेवा जाए तो घर आई नो साहब क्या करे जी बताओ अब सान दाम चाहिए ने कहरी पे तो 10 लाख दो कहते 20 लाख मांगे अच्छा तकड़े दे कै साल पुराना रास्ता है यो 72 साल तो मोग 72 साल को 72 साल से थेड़ी करा रहे हो हां पर आज बंद कर रहे हैं अभी करे तो अभी सब कड़ी कट जा रहे होते हैं अब के जा रहे हैं मान तक खावा मान लकड़े बाद रामा के पड़ जावा करे को जाबो तो हाथ बन मार मार तो कह दो मरे ऊपर आदमी मर जाए डाणी तो रस्तो को ने भी की संगाती लेर जावा अगले कड़े जी जी थाने खुद ने देख रहे हो तो बेरो लागियो वो बे दिखाई समस्या हो रही है क्यों बंद क्यों बंद देखो एक इसको कुंजा बदी था टाग लगी आपको मेन उद्देश्य यो है कि आखी जो रोड पर जमीन लागी या न्योल की डानी बाजार आ नोड़ी की बाजार तो आपको मगाने का उद्देश्य है कि आप मेन रोड मारी रोड पर लागी तो मैं तो निकल जा मार दिक्कत को नहीं और थाने नोड़ी का नागन कुंजा बता नोड़ी का माए इकले देखो पेट पूरा काट दिया थे आप जमीन मारी लागे बोझा काट दिया अधिक ठेठ रास्ता में ठेठ गाल था आगने लेकिन कह के मेडिकल रास्ता दाई गुंजा भाई गुंजा अधिक ने माई कई दिन से बंद है रास्ता यो कई बार हो गया आत्मा तो लेकिन काल जो है ना मतलब अरे वो ले रहा है आप मारपीट कर दी पाई के माने आई राजू के साथ हां इन पर अच्छा के मामला हो के कर रहा मामलो काल यो ही हो मैं तोड़ो ले रहा गो मैं तोड़ो ले रहा गो जना अड़े गाड़ी लगा दी बैक बैक लगा जना मैं दो तीन पोर तो ताल ली पोर तारे बाद में बा 11 सी है 100 किलो गई 11 सी बा मेरे कनाई बोलो अड़ी कर कहीं लायो मो कहीं हमारी मैं कौन सो पगंग थोड़ी लगा लेगो अड़ी फड़ी रहेगी थे भी तो कड़ी के जाओ हो नबी कर मेरी या बात हुई पाड़ी सु राजू आयो फिर भी को है राजू एक लुआई को काम करे बोबू आये और भी की लुगाई आई आता ही बोले भाई क्यों तेरा बाप की घड़ी कर कहीं लाए और बाहर चार जना बोले यार तू भी तो घड़ी कर जाए मुझे तेरे घड़े कौन लागे गे इतना तो मेरे देवा ले कर लागू मैं तो एक लोर बस तीन चार जना होगा तो रास्तों कता दिन पुराना हो मैं तो जलमिया जड़ा सुन तो सुरस मैं अड़ी की जावा बंद कह कर रहे तो यह मान रुपया दे अड़ी कर 10 लाख रुपया मांग मांग 10 लाख रुपया हाथ को नहीं गए लोग मानी की बात कर दी 10 लाख जमीन या गेला भाई कटान के लागे जड़ा तक तो कोई दिक्कत नहीं अभी स्वागत थोड़ी सी लागे अड़े अड़ा तक खैरी फायदे मान 10 लाख अच्छा पहले से तैयार हो हां पहले कटान को थोड़ी हो आगलो रास्ता आगलो तो कटान में है और नहीं यो आगे जो बंद वो तो पगडंडी में तो शुरू से आ रहे आप कटान में करा रहे हैं 70 साल पुराना रास्ता और ये बंद हां पहले से होयो पहले से आ रहे 70 साल तो आन मारा दादा और हम देखता होगी आना बाप बाप का अड़ी शुरू से यो ही है रास्ता तो देख रहे हैं अभी राजस्थान में जोर अगले बड़े बोझा बाजा कटा के आगन मारी जमीन लागे मैं कहीं मैं थीता हुई मकर में बिजा सारी जमीन लागा अगर बंद हो रहा की भी जमीन लागे आगे हां बिल्कुल बंद हो रास्ता टाबरी स्कूल में गुंजा रहा है कहें भी ना प्रशासन द्वारा ग्रामीण मीडिया द्वारा कोई भी पत्रकार बंधु कोई भी हमारी सुविधा करे अने मेरे कद भी खत्म हो सके कद भी मार सके टाप रहेंगे और मन भी कद भी खत्म कर सके यार क्यों मन ने खुद ने मार लिए लोग दो तीन मिल मन बहुत बुरो मारे एक लाल देख कब कल कल इतना शाम की टाइम में बोलू मैं यार तेरी जमीन थोड़ी लगा ले गो ये वो जस मन एक लाल लाग मारिया हमें तो दो रुपये होगा सारी डाने का बिल्कुल तो देखिए इस वक्त मैं बात करूं तो जो डाणी है नौलखीर नौड़ी की डाणी है वहां पे रास्ते के मामलों को लेकर अभी एक पक्ष से हमने बातचीत की है और उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमारा 70 साल पुराना रास्ता था और उस रास्ते को बंद कर दिया है राजू जी अलवाई हैं और दो चार नाम बताए हैं तो दूसरे पक्ष के पास हम आए इनसे बातचीत करेंगे क्या मामलो है जी की को रास्ता बंद जी रास्ता तो यहाँ की दोनों भाया को है बांको कुन्या रास्तो ये इन इन जमीन की अमल भरी को भाई अशोक वो जमीन कौन दी इतना भाई अशोक जी खड़े रहे दुबई है नहीं बाको मकान मकान अच्छा तो बाकल ये दिया कि रास्ता सिर्फ हाँ बिकल ये बाकल ये हाँ ये दोनों भाई सहमति करे आगे भाई मन बोले तू रास्तो दे देना बोले जमीन दे दीजिए साटा की जना बोले ठीक है फसल कटाई जना दे दू वो जमीन नहीं देर को तो आपकी वापसी मिला हुआ है अच्छा अच्छा तो पहले पहले भाई लोग बोले मैं 70 साल छोड़कर जा रहा पगडंडी सुई जाता पगडंडी हाँ गाड़ी जाबा को रास्ता कोई रास्ता नहीं है साहब अगर कटान का रास्ता होता बता दो आप अच्छा अच्छा पगडंडी को तो पहले भी और अब भी है अर्जेंट में है लेकिन आपने मतलब बड़े साधन जाने वाले रास्ता उनको बंद कर दिया ये तो है ही नहीं रास्ता अजय यहाँ क्या कर दिया वो जमीन नहीं दी जाए आपसी जमीन का लाभ की अच्छा 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 बांगो कोई मिलती नहीं मतलब दोनों भाई को मामलो दो हाँ ये तो आपको दोनों भाई तो बात डाली कटी कर जाती थी पहले बड़ी कर जाती नेवरी रोड से नेवरी रोड से अच्छा तो कल आरोप भी लगा रहे भी कल मारे साथ मारपीट भी हुई मारे मन बहुत मारपीट क्या टकर आप जो रहा अरे यार गाड़ी कब हम कौन सी दिक्कत आ रही साहब के नाम मन बहुत बुरा मरे के वो नाम है के नाम है भाई जी बता रहा है एक बाग घर सुबह मैडम ही भाभी ये बता रहा कि कल मारे साथ में फूस लेके आ रहा है मारपीट करी मन बहुत बुरा मारे नहीं मैं तो आज तक नहीं मैं तो आज तुम मारे जना तो हॉस्पिटल में कौन पूछा कोई मारपीट कौन करे आपस में हॉस्पिटल में तो कौन पूछा भाई ये बताओ मार बागल तो खुद आवागे चप्पल पड़े हैं रहे जिको झूठा आरोप लगा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं भाई आपके आप बांगे चप्पल रह जिको आरोप लगाऊं कांकरा पड़े हैं बेटे बाटा जार देखो ते मौका पे रह जिको अच्छा 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 करो
नेवरी रोड से है उसका रास्ता, उनका रास्ता दो। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपने वैसे अपने अपने हिसाब से रजामंदी से दे रखा था उनको। रजामंदी से उसको नहीं दे रखा था, आपके भाई को दे रखा, मेरा भाई को दे रखा था। पगडंडी तो पहले भी थी, रबी है, अभी है मक्के में है ना, देखो ना आप भी जाके। अच्छा, पगडंडी पे कोई जा सकता है? हाँ, कोई भी जा सकता है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, ये मामला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़ाई मारपीट को आरोप लगाया कि मतलब ठेकरी को नहीं मार, नहीं साहब झूठ बात, कोई लड़ाई झूठ आरोप है। तो देखिए, पूरे मामले के बारे में दूसरे पक्ष से भी हमने आपको अवगत करवाया। इन्होंने कहा कि जो ये रास्ता है, ये मैंने मेरे भाई के लिए इनको रास्ता दिया था, और मेरे भाई ने कहा था या तो पैसे दे देंगे फिर जमीन दूसरी दे देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने मेरी जमीन वापस ले ली है। पगडंडी का रास्ता तो अब भी है, पहले भी था, वो हमने बंद नहीं किया है, हमारे दोनों भाइयों का मामला है। लेकिन उसके कारण मतलब आगे जो लोग रहते हैं, जो 8-10 घर हैं, उनका जो रास्ता था वो बंद हो गया था, जैसा कि वो लोग आरोप लगा रहे थे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि रास्ता तो अब भी खुला है, पगडंडी का पहले भी था अब भी है, 70 साल पहले भी था अब भी है, ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई पैदल तो आदमी जा सकता है, लेकिन गाड़ी जाने का रास्ता हमने मैंने मेरे भाई के लिए दिया था, और फिर हमारे दोनों भाइयों की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद मैंने मेरी जमीन वापस मेरी जमीन में डाली, ये पूरा मामला था। और मारपीट के बारे में इन्होंने कहा कि भाई मैंने मारपीट नहीं किया, अगर मारपीट करते तो वो हॉस्पिटल जाते, लेकिन मैंने मारपीट नहीं किया। अब इन्होंने ये कहा कि शासन प्रशासन मौका रहते या तो इस मामले को संज्ञान में ले ले, वरना यहाँ पे बड़ा खून खराबा हो सकता है, क्योंकि एक दूसरा पक्ष है, वो एक दूसरे पे इस प्रकार से ताक लगाए बैठा है कि कोई बोले तो उनके साथ हम लड़ाई झगड़ा करें। लड़ाई झगड़े का सीन कुछ ऐसा होता है, जब गुस्से में इंसान आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, इस मामले को संज्ञान में ले, इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करें, वरना यहाँ से बहुत बड़ी कोई घटना भी घटित हो सकती है।